ये यहाँ पर ग्वार की फली है, मैं इनको उबाल लूँगी और बाद में इनके छिलके से ये तुस निकाल लूँगी बाद में उबलने के बाद, और थोड़ी सी इसमें लस्सी डाल दूँगी। उबलते टाइम थोड़ी सी लस्सी डाल दूँगी। थोड़ा सा नमक डाल लूंगी, नमक डाल दिया, अब इसको उबाल लूंगी, दो सीटी लगवा लूंगी। फली को उबाल लिया और उबालने के बाद दोनों तरफ के छिलके उतार लिए इसके, ठंडा करके और दोनों तरफ के छिलके उतारे। ये देखो इसके छिलके 40 मिनट लग गए इसके छिलके उतारने में, कुछ ये सारे छिलके हैं दोनों तरफ के, फली के दोनों तरफ के। अब मैं इसको छोक लूंगी। यहाँ पर ये मैंने प्याज काट ली और लहसुन छील लूँगी। मेरा तेल गर्म हो गया, ये लहसुन कूट लिया और ये मसाला सारा मसाला मिला लिया। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँ, मैं इसमें टमाटर नहीं डालूँ क्योंकि फिर टमाटर तो वो काट कर फली को काट कर छोंकते हैं ना, वो वाली फीलिंग आएगी, तो इसलिए उबाल कर मिनी छोंक होता है ना वो लगाऊँगी। हमारी दादी नानी या मम्मी तो वो जो कोयले पर छोंक लगता है ना वो लगाते थे, पर मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरी फैमिली में कोयले वाला छोंक नहीं खाते। ये फली देखिए दोनों तरफ का छिलका उतर गया, अब ये ऐसे फटने लग जाएगी। बिना टमाटर की बहुत टेस्टी बनती है, जब उबाल कर उसमें थोड़ी सी लस्सी डालकर बनाते हैं ना। तो बहुत टेस्टी बनती है। प्याज थोड़ी थोड़ी ब्राउन होने लग गई है, अभी इसमें लहसुन डाल दूँ। ओनली प्याज लहसुन और जीरा का छौंक है और कुछ भी नहीं डालूँगी, इससे ही बहुत ही टेस्टी बन जाएगी सब्जी। मसाला भुन रहे हैं, ये मसाला
देर के लिए इसको पकाऊंगी। मसाला पककर तैयार हो गया है, अब इसमें डालेंगे। सारी को मिला लूँगी, अब 5 मिनट के लिए ढककर रख दूँगी एकदम मंदी आंच पर। गैस को धीमी कर लूँगी। ये ग्वार की फली बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें साबुत धनिया थोड़ा सा दरदरा कूट लिया और ये डाल दिया।